Good morning, students. Today we will continue our lesson number 2. What is around us? ठीक है? आज हम ये continue करेंगे जो हमारा half बाकी है वो हम finish कर देंगे. Biosphere. Biosphere मतलब क्या होता है? तो हमने पहले वाले lecture में पढ़ा था. The part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where living world exists is known as biosphere. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर में जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड मतलब लिविंग बींग्स रहते हैं वो क्या है? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर्स ऑन द अर्थ. सारे स्फीयर्स में से बायोस्फीयर जो है इम्पोर्टेंट है अर्थ के ऊपर. अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर. और एक ऐसा अकेला प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसके ऊपर बायोस्फीयर है. बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स. बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो क्या क्या इंक्लूडेड है बायोस्फीयर में? वेजिटेशन, एनिमल, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स. ये सब कुछ इंक्लूडेड है बायोस्फीयर में. वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर. हम जो है फूड और बहुत सारी जरूरत की चीजें जो है वो बायोस्फीयर में से ऑब्टेन करते हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल. हम जो है वेजिटेशन और एनिमल के बिना नहीं रह सकते. हम जो है वेजिटेशन एंड एनिमल के बिना नहीं रह सकते. ठीक है? बायोस्फीयर इज बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग. बायोस्फीयर जो है वो एक बेस है हमारे एग्जिस्टेंस है उसके लिए और लिविंग के लिए. इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज लिविंग एंड सेकेंड इज नॉन लिविंग. हमें पता है ना दो है लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग मतलब जो सांस ले सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ होता है उनके बॉडी का, वो सब लिविंग. और नॉन लिविंग मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जो ब्रेथ नहीं कर सकते, जो ईट नहीं कर सकते, वो सब नॉन लिविंग. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर फॉर्म द नॉन लिविंग पार्ट बाई प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोजम आर इंक्लूडेड इन लिविंग वर्ल्ड. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फियर जो है वो नॉन लिविंग पार्ट्स को फॉर्म करते हैं वाइल प्लांट्स एंड एनिमल और माइक्रोजम जो है वो सब इंक्लूडेड होते हैं लिविंग वर्ल्ड में. ठीक है? अब इफ मैन हार्म्स द अर्थ बाई हिज एक्टिविटी देन डू यू थिंक इट विल अफेक्ट दिस स्फीयर. अगर जो है मैन कुछ एक्टिविटी करेगा और उससे हार्म करेगा और वो तो क्या आपको लगता है कि वो इन स्फीयर्स को हार्म कर सकता है? जैसे स्फीयर मतलब ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, उसको हार्म कर सकता है? उसको हार्म होगा ऐसा पूछा है. ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अनोइंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज फॉर देयर डेवलपमेंट्स. ह्यूमन बींग्स जो है मतलब उनको पता है और कुछ चीज़ें नहीं पता है, पर जाने अनजाने में वो बहुत सारी एक्टिविटीज कैरीड आउट करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए. ह्यूमन एक्शन कॉसेस एंड इम्बैलेंस इन डिफरेंट स्फीयर. और ह्यूमन की जो एक्शन होती है उसके वजह से अलग अलग डिफरेंट इम्बैलेंस होता है स्फीयर पे. ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर्स इज थ्रेटेंड. और वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं उसके वजह से ह्यूमन एक्शन की वजह से इम्बैलेंस होता है और बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर्स जो है वो थ्रेटेंड होते हैं. अंडरग्राउंड वाटर न्यूक्लियर टेस्टिंग. अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ऑयल ड्रिलिंग फॉर मिनरल एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स अफेक्ट्स लिथोस्फीयर एंड कॉसेस इम्बैलेंस. अब लिथोस्फीयर में इम्बैलेंस कैसे होता है?
होता है वो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पड़ता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, जब न्यूक्लियर टेस्टिंग होता है अंडरग्राउंड तभी लिथोस्फीयर को नाम होता है। टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल निकालने के लिए बहुत सारा अंदर तक वो लोग ड्रिल करते हैं तब नाम होता है। एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स अफेक्ट लिथोस्फीयर, जब जो है ट्यूब वेल्स को चाहिए तो खोदने के लिए बहुत सारा ड्रिल और बहुत एक्सेसिव बहुत ज़्यादा ड्रिल करते हैं तो वो भी हार्म करता है लिथोस्फीयर और इसके वजह से इम्बैलेंस होता है। द डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम विलेजेस एंड सिटीज अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द वाटर बॉडीज पॉल्यूट देम, और वेस्ट को डंप करते हैं विलेजेस सिटीज का और तो और इंडस्ट्रियल वेस्ट को, जिस वेस्ट को जो डंप करते हैं वाटर बॉडीज में, सी में, ओशन में, रिवर्स में, जहाँ पे वेस्ट वहाँ पे डंप करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है वाटर बॉडीज जो है उनको पॉल्यूट करते हैं हम। द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट, पोलर कैप जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है ड्यू टू, वो मेल्ट हो रहा है क्योंकि हीट जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है हीट, इसलिए पोलर कैप है वो मेल्ट हो रहा है। द ऑयल स्पील्स एंड शिप्स, ऑयल स्पील्स फ्रॉम शिप एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट इनटू वाटर कॉसेस डिस्ट्रक्शन ऑफ मिनरल ऑयल। ऑयल स्पील तेल निकालने वाला फ्रॉम शिप्स, शिप से एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्री का और केमिकल वेस्ट जो है उसको डिस्पोज करते हैं वाटर में, वो हार्म करता है मराइन लाइफ को। जो भी एक्वेटिक मराइन लाइफ मतलब जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको, एनिमल को मराइन लाइफ एक्वेटिक लाइफ बोल सकते हैं, जैसे फिश है वो पानी में रहती है तो उनको, विच इज हाईली डेंजरस फॉर हाइड्रोस्फीयर, जो बहुत डेंजरस है हाइड्रोस्फीयर के लिए। हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज वर्कशॉप पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स पॉल्यूट एयर, हार्मफुल गैसेस जो निकलती हैं इंडस्ट्रीज में से, वर्कशॉप में से, पावर स्टेशन में से और व्हीकल्स में से वो पॉल्यूट करती है हमारे एयर को। द एरियाज विच हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल, जो एरिया में हायर फ्रीक्वेंसी है व्हीकल की वहाँ ऐसा बताया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रेट जो है बहुत ज़्यादा है। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीजेस, जो अमाउंट है CO2 का एयर में इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज कट करने की वजह से अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ रहा है। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग CO2 इन एयर, और जो हमारे अर्थ के ऊपर हीट बढ़ रही है क्योंकि CO2 जो है इंक्रीज हो रहा है हमारे एयर में। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट्स द बायोस्फीयर, और इस तरीके से जो है ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट कर रही है बायोस्फीयर को। समझ में आया कैसे हम अफेक्ट कर रहे हैं हमारे स्फीयर्स को, वाटर हाइड्रोस्फीयर को कैसे हार्म कर रहे हैं, एटमोस्फीयर को कैसे हार्म कर रहे हैं, बायोस्फीयर को कैसे हार्म कर रहे हैं। द नर्चरिंग लिंक्स ऑफ नेचर आर एंडेंजर ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट विच एंडेंजर्स द बायोस्फीयर, और जो ये सब एक्टिविटी हो रही है नेचर को हार्म हो रहा है उसके वजह से एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है और बायोस्फीयर जो है वो भी डेंजर में है। समझ में आया सबको इतना, बहुत इजी था ये, एक बार हम पूरा लेसन अच्छे से फिर से देख ले।
इज अराउंड अस, हमारे आसपास क्या है? तो हमारे आसपास स्फीयर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अलावा बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर जो है उसमें रॉक आता है, रॉक मतलब रॉक का जो लेयर है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। रॉक, लिथो मीन्स रॉक और स्फीयर मीन्स लेयर, सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है। लैंडफॉर्म्स इंक्लूडेड होते हैं उसमें, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, ये सब हमें लिथोस्फीयर में दिखाई देता है। लिथोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में जाते जाए तो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जाता है। मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ आर नोन एज मैग्मा, और जो मोल्टन रॉक है, मोल्टन रॉक जो अर्थ के अंदर है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी देयर आर मेनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, वहाँ पे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है अंदर अर्थ के। ये सब हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर जो है उसमें हमने पढ़ा था कि हाइड्रो मीन्स लिक्विड कंपोनेंट है अर्थ का, जहाँ पे ओशन, सी, लेक, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, वो सब इंक्लूडेड होता है। ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ एरिया ऑफ लैंड इज मोर देन दैट ऑफ, और हमारी जो सरफेस अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर एरिया ऑफ वाटर जो है वो इज मोर, वो ज़्यादा है कंपेयर टू लैंड। पानी वाला एरिया ज़्यादा है, लैंड जो है वो कम है, ऐसा बोला है। हाइड्रोस्फीयर कितना परसेंट कवर करता है? 71% कवर करता है लैंड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडी, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, इनको हम ओशंस बोलते हैं। और दिस ओशन सार, और ये कौन से ओशन है? पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, ये सारे ओशन हैं ये। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? 97% टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है ओशन से कंटेन ओशन है, उतना पानी ओशन का है पानी, उतना 1/3 है वो पूरा ग्लेशियर्स में पानी ट्रैप है। वेव्स और टाइड्स के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एटमॉस्फेयर मतलब द स्फीयर ऑफ एयर दैट ट्रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो एयर से पूरा रैप किया हुआ स्फीयर है उसको अर्थ का, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। फिर वहाँ पे कितना, वहाँ पे एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड, एटमॉस्फेयर जो है गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर है वो कलरलेस है, ओडरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एलिमेंट भी इंक्लूडेड है एटमॉस्फेयर में। और उसके अलावा वहाँ पे 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस भी इंक्लूडेड है। और हमने वो पाई चार्ट भी पढ़ा था, उसमें बताया गया है कितने परसेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस है, वो पॉइंट में हमको परसेंट शो किया गया है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है इंटेंसिटी कम कर देता है ऑक्सीजन की। बायोस्फीयर हमने अभी पढ़ा, अभी हम थोड़ा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर देख लें इसके, जो आप लोग के लिए एक्सरसाइज जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
डालो। क्वेश्चन नंबर वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए, सो प्लीज नोट डाउन दिस।
nuclear of the earth is called magma. इसको हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जो है उसमें हम ये आंसर लिखेंगे, ठीक है? The liquid which is formed due to the melting of rock strata because of extreme heat in the interior of the earth is called magma. Magma बोलेंगे। Next one. What is meant by condensation? What is meant by condensation? What is meant by condensation? Condensation मतलब क्या होता है? क्या होता है condensation? Condensation condensation is process is a process various forms like rains, dew, fog, clouds, condensation की वजह से rains, dew, fog, clouds form होते हैं। और condensation means process of cooling of moisture is called condensation. What is meant by condensation? यहाँ पे condensation मतलब क्या होता है? ये लिखना है आपको, कॉपी भी करना है, important है आपके लिए कि condensation मतलब क्या है?
उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। हाउ डज ओजोन गैस वर्क? अब है हमारा क्वेश्चन, हाउ डज ओजोन गैस वर्क? हाउ डज ओजोन गैस वर्क? हाउ डज ओजोन गैस वर्क? ओजोन गैस किस तरीके से काम करती है? ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट सन रेज इन लार्ज क्वांटिटीज एंड सेव्स द बायोस्फीयर ऑन अर्थ फ्रॉम देयर हार्मफुल इफेक्ट। वो सेव करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, पहले तो ओजोन गैस जो एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट जो रेज है सन रेज में से निकलते हैं उसको लार्ज क्वांटिटी में, और सेव करती है हमारे बायोस्फीयर को ऑन द अर्थ फ्रॉम देयर हार्मफुल इफेक्ट, अर्थ पे आने के लिए और उसके हार्मफुल इफेक्ट से हमको सेव करती है हार्मफुल इफेक्ट से, और हमारे बायोस्फीयर को भी सेव करती है। समझ में आया ओजोन गैस किस तरीके से वर्क करती है? सी सन रेज आती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है, ओजोन गैस जो है उसको एक ऐसा है कि सन रेज अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देती, ओजोन गैस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है जो सन रेज में से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको, और हमारे बायोस्फीयर को सेव करती है और हमें भी सेव करती है उनके हार्मफुल इफेक्ट से, अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल इफेक्ट से हमें सेव करती है और बायोस्फीयर को सेव करती है। समझ में आया ओजोन गैस, हाउ डज ओजोन गैस वर्क? ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में, काम आएगा ये वर्कशीट में, और समझने के लिए ओजोन गैस किस तरीके से वर्क करती है पूछा किसी को, हमें आना चाहिए। समझ में आया सबको हाउ डज ओजोन गैस वर्क्स? तो हम आगे इतना समझ में आ गया सबको, आगे का हम बाद में देखेंगे, अब ये लेक्चर के लिए इतना हमारे लिए इनफ है, जो आज लिखा है वो सब भी अच्छे से लॉन्ग बाय हार्ट करना है और याद रखना है, ठीक है।